इसकी तो महिमा अपरंपार है, बहुत बहुत दूर दूर विख्यात है ये। उस टाइम भीम थे, जो आप टीला देख रहे हैं उस टाइम ये सुनने में आता कि जो भीम की जूती में जो रेत आ गया था, जब उन्होंने रेत झाड़ा था ये, तब ये टीला बना था। कि यहाँ पर कोई घसियारा घास खोद रहा था तो वो शिव पिंडी में लग गया उसका खुरपा, तो उससे खून चालू हो गया था। आज भी वो निशान है उस, किसी हमारे किसने किसी भी बुजुर्ग ने उस पर सीमेंट लगा के वो खून रोका था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दहिया की चौपाल में। दोस्तों आज से ठीक 6 माह पूर्व जब शारदीय नवरात्र चल रहे थे तो मैंने अपने चैनल का शुभारंभ किया था। ये वही स्थान है, गजस्थल का स्थान है। यहाँ पर जो है काली माता का मंदिर, जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी वो इसी स्थान पर मैंने बनाई थी। आज मैं आपको इसी स्थान के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है माता काली का जो मंदिर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, हमने भी प्रसाद अभी ये खरीदा है और हम माता काली से प्रार्थना करेंगे कि जो अपने लिए भी करेंगे और अपने देश और अपने सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको जो है सुख और धन धान्य से परिपूर्ण करें। अपनी स्थान है ये, और इस स्थान का बहुत ही बड़ा जो महत्व है वो देखने को मिलता है। देखिए भाइयों, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये यहाँ पर ये टीला था मिट्टी का। यहाँ से बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर जो आते हुए भी बहुत डरता था। वहाँ आप देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा ही प्राचीन कुआं है। देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बताया जाता है कि बहुत ही पुराना कुआं है और यहाँ पर जो है बहुत ही मिट्टी के ऊँचे ऊँचे ढेर थे। उसके साथ ही यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते हुए भी यहाँ पर डर लगता था और काफ़ी जंगल यहाँ पर थे। मान्यता आपको मतलब हमारे परिवार वाले बताते हैं जी कि यहाँ पे गजस्थल में मंदिर है काली माँ का, उनसे पता चला। अच्छा अच्छा जी। देखिए आपके सामने यहाँ से जो है क्षेत्रीय लोकल व्यक्ति भी आते हैं और दूर दूर से भी काफ़ी व्यक्ति आते हैं। देखिए लगातार आप देख सकते हैं इधर काफ़ी श्रद्धालु जो हैं आ रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए और एक पर्यटन की अगर दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा महत्व है मंदिर का। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आते रहते हैं क्योंकि इस समय जो है नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं। देखिए भाइयों, यहाँ पर जो काली माता का मंदिर है यहीं पर जो है बाबा भैरवनाथ का मंदिर है और उनका जो धुना है यहाँ पर जो है बाबा जी भी बैठे हुए हैं जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आइए उन्हीं से हम जो है बातचीत करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है यहाँ बहुत दूर दूर का आदमी आता है जी, उत्तराखंड का, इधर दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और इधर बिजनौर तक का आदमी आता है। क्यों? इसकी मान्यता इतनी है दूर तक और हर सोमवार लगता है, सावन के महीने में बंद रहता है और एक पुष के महीने में और कनाप्तों में। अच्छा, बंद रहता है? बंद रहते हैं। अच्छा। और उन्हें 12 महीने प्रसाद चढ़ता है और हर शनिवार को भगत लोग आते हैं और मैं बैठता हूँ 12-13 साल से। जी जी। हाँ, ये मंदिर था, इसका कलश चोरी हुआ था। कलश भी ऐसा था सोने का, लगा 15-20 किलो वजन था उसके अंदर जी, उतार कर ले गए। अच्छा। हाँ जी, और कहीं से भी देख लेते उसको तो ऐसा जनता था जैसे सोना है, सोना ही था। अच्छा। अन्य एक महीने में काला पड़ जाए जी जी, वो काला नहीं पड़ा अब तक। अच्छा। हाँ, तो वो चुरा कर जो लेकर वापस कर रहे हैं? अरे वापस कर लूँगा, 15-20 सालों का पट हो गया। अच्छा। यहाँ पर मंदिर पुराना है, काफ़ी पुराना मंदिर है। गाँव गजस्थल में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राचीन शिव मंदिर, माता मंदिर और प्राचीन जो शिव मंदिर है दोनों एक साथ हैं। यहाँ पर कई मंदिर हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इधर दिखाइए, श्री राम लखन मंदिर, शेषनाग मंदिर और विष्णु मंदिर, इसके अलावा श्री राम दरबार, हनुमान मंदिर, यानी कि कई मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी यहाँ का जो विकास है वो काफ़ी हुआ है। सब ये माता रानी की कृपा है।
ये देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ जो है काफ़ी यहाँ पर जो है मिट्टी का बहुत ऊंचा टीला यहाँ पर बना हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है धीरे धीरे सरकार और ग्राम की जो समिति थी उनके माध्यम से यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। और अब जो यहाँ पर स्कूल, पानी की टंकी, इसके अलावा अन्य कई चीज़ें सुविधाएं जो हैं अब देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार कई मंदिर एक ही दिशा में बने हुए हैं। यहाँ पर सरस्वती माता मंदिर, गणेश मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, यानी कि जितने भी हिंदू देवी देवता किनारे से लेकर दूसरे छोर तक बने हुए हैं लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेला काफ़ी टाइम पुराना है यहाँ, कम से कम जो पहले जो है भीम जी, जैसे महाभारत की जो कथाएं हैं उस टाइम भीम थे, जो आप टीला देख रहे हैं उस टाइम ये सुनने में आता है कि जो भीम की जूती में जो रेत आ गया था, जब उन्होंने रेत झाड़ा था ये, तब ये टीला बना था। अच्छा, हमने ऐसा सुना है, हालांकि हमने जो प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं है, बट ये मेला काफ़ी पुराना है। और जो महाशिवरात्रि का मेला होता है यहाँ पे, वो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, बिजनौर से, मुरादाबाद से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, और काफ़ी जो है भीड़ रहती है। और ये जो है नवरात्रों के मेले चल रहे हैं यहाँ पे, आज भी काफ़ी भीड़ है, हालांकि जो है कल ज़्यादा भीड़ थी और आज कम है। अच्छा अच्छा जी, तो ये यहाँ पर पहले मिट्टी का एक टीला था काफ़ी, हाँ काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे तो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे लोग भरा उठाते हैं यहाँ से तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है वो। जी जी, देखिए मेरे साथ जो है मंदिर के जो पुजारी जी साथ हैं। पुजारी जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है कामेश्वर गिरी। अच्छा, हाँ पुजारी जी ये बताइए मंदिर की क्या महत्व है, क्या विशेषता है, थोड़ा सा इसके बारे में। ये तो कई हजार साल से प्रसिद्ध मंदिर है जी, समझे जी। इसकी तो महिमा परंपरा है, बहुत बहुत दूर दूर विख्यात है ये जी। सिद्धपीठ मंदिर है ये जी, और यहाँ सभी का सहयोग है, यहाँ तक कि सरकार का सहयोग भी अब काफ़ी मिला है। अच्छा, और उम्मीद करते हैं कि आगे को भी सरकार का सहयोग काफ़ी मिलेगा समझे। कुछ सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ADM साहब, DM साहब सब जो हैं यहाँ के लिए हाजिर रहते हैं, किसी टाइम भी कोई बात हो फ़ौरन क्या रखा हो ना, कि आधी रात भी अगर फ़ोन करोगे तो यहीं दिखाई देंगे, इतनी मान्यता है इस मंदिर की। अच्छा, कुछ पुराना जैसे कहानी कोई ऐसी जुड़ी हुई है मंदिर में? पुरानी कहानी ये है कि यहाँ पहले कच्चा मठ था जी, तो अचानक में ही वहाँ पर देवी, हमने सुना है उसके बारे में जो बड़े बुढ़े हैं बजे हुए हैं, कि अचानक में यहाँ देवी प्रकट हुई थी, और देवी प्रकट होकर उसने कहा कि मेरा स्थान यहीं पूजेगा और मैं यहीं रहूँगी। अच्छा, उसके बाद ये बामन बिगे का रकबा इस देवी ने छुटवाया अपने नाम से। अच्छा, ये बामन विवेक, बामन बिगे का रकबा है इसका जी, समझे। और ये जो सिद्धपीठ भगवान शिव का मंदिर है, ये भी अपने आप प्रकट हुए हैं। अच्छा, खुद ही कुदरती, कभी 400-500 साल पहले की बात है ये। अब ये तरक्की जो हो रही है 10-12 साल से, ये केवल समिति बनने से हो रही है। अच्छा, वरना पीछे पहले भूड़ी थी, यहाँ भी तमाम गोर खड़े होते थे, तमाम जो है यहाँ काटे बन बिगवा ऐसा खड़ा होता, दिन में भी आते हुए डर लगता था आदमी। 40 बीघा बात है, ये बस जहाँ खड़ी है यहाँ, ये भी सब बिकत बस बन गई। तो ये जो भक्त लोग आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं? ये तो बहुत बहुत दूर में है। अच्छा, हाँ इनका क्या नाम है, नाम है मतलब भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। और क्या, यहाँ तो जो है लगाएगा तुम्हारा गाजियाबाद, दिल्ली, बरेली, हरियाणा, पंजाब, ज़्यादातर ये लोग आते हैं, मेरठ साइड इतने भी हैं मुजफ्फरनगर। देखिए भाइयों, मंदिर की जो महत्व इतनी है कि काफ़ी दूर दूर से जो भक्त हैं यहाँ पर अपनी, हाँ उनकी श्रद्धा है, आते रहते हैं लगातार, यहाँ पर जो है भक्तों का आना जो है लगा रहता है। हाँ तो अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हाँ आप बताइए जरा, आप क्या कर्म कर रहे हैं आप? हम तो सेवा कर भैया। अच्छा, मंदिर के? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला बनने बाद में जी, अब तो खाना बनवा हो गया जी, लेकिन जिला बनने वाला पहला नंबर है इस मंदिर का। अच्छा, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, सिद्धपीठ स्थान है, हर शक्तियाँ मौजूद है। बहुत ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जी, जी प्राचीन मंदिर है जी, ये पता नहीं कि 10,000 साल पुराना है या 50,000 साल पुराना है, किसी को इसके बारे में ये नहीं पता कि मंदिर किसने बनवाया और कैसे बना। लेकिन बड़े बूढ़े ये कहते थे कि यहाँ पर कोई घसियारा घास खोद रहा था, तो वो शिव पिंडी में लग गया उसका खुरपा, तो उससे खून चालू हो गया था। आज भी वो निशान है उस, किसी हमारे जिसने किसी भी बुजुर्ग ने उस पर सीमेंट लगा के वो खून रोका था, आज भी निशान है मंदिर में, बढ़ कर देख लीजिए। अच्छा, हम कौन से शिव मंदिर? काली मंदिर में, शिव मंदिर में, बड़े वाले मंदिर। अच्छा, हाँ तो यहाँ माता खुद प्रकट हुई, माता ने कहा मेरा यहाँ पर स्थान बनाओ, तब यहाँ माता का स्थान भी बना इधर। कि आपने वैसा मंदिर बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा मंदिर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैया और बाबा का स्थान एक ही जगह, एक ही जगह हो, एक ही जगह। अच्छा, हाँ ऐतिहासिक और प्राचीन प्रसिद्ध
तो मान्य मंदिर है जी। देखिए भाइयों, काली माता और शिव बाबा यानी कि जिन दोनों का जो स्थान एक है, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जी 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 दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो भी दर्शक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।